खान सालों बाद फिल्म पठान से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस फिल्म का जमकर विरोध किया जा रहा है। शाहरुख के पोस्टर्स जलाए और फाड़े जा रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान फिर भी फिल्म के प्रमोशन का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। लगभग सभी बड़े इवेंट्स में वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंच रहे हैं। वहीं शाहरुख ने अपने कमबैक से पहले फैंस से बातचीत करने के लिए 12 जनवरी को ट्विटर पर #AskSRK सेशन किया था, जहां शाहरुख ने अपने फैंस के सवालों के मजेदार जवाब दिए। शाहरुख खान के एक फैन ने लिखा, पठान के लिए कितनी फीस ली? दूसरे यूजर ने पूछा, सर कितने दिन में बॉडी बनाई आपने? शाहरुख ने सभी सवालों के जवाब अपने अंदाज में दिए। शाहरुख खान से फैंस ने आस्क एसआरके सेशन के दौरान कई मजेदार सवाल पूछे। एक फैन ने लिखा, पठान के लिए कितनी फीस ली? इस पर किंग खान ने अपने ही स्टाइल में जवाब दिया और कहा, क्यों साइन करना है अगली फिल्म में? फिल्म में आपको शाहरुख खान की शानदार बॉडी देखने को मिलेगी, हालांकि इसके लिए शाहरुख ने जमकर पसीने बहाए। इसी को लेकर एक फैन ने पूछा, सर कितने दिन में बॉडी बनाई आपने? इसका जवाब देते हुए शाहरुख खान ने कहा, मुझे लगता है कि इसमें 6 महीने का समय लगा था। वहीं आस्क एसआरके के दौरान एक फैन ने पूछा कि घर वालों को फिल्म पठान का ट्रेलर कैसा लगा? इसका जवाब देते हुए शाहरुख खान ने कहा, अबराम को जेटपैक वाला सीक्वेंस पसंद आया, उसे लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ। एक फैन ने पूछा कि क्या शाहरुख के परिवार ने उनकी फिल्म पठान देखी है? इसके जवाब में किंग खान ने कहा, फिल्म पर काम करने वाले तकनीशियनों के अलावा अभी किसी ने फिल्म नहीं देखी। बता दें, शाहरुख खान की फिल्म पठान पिछले लंबे समय से खबरों में छाई हुई है। जब से फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है, तभी से पठान का विरोध हो रहा है। वही बेशर्म रंग गाने में दीपिका ने भगवा बिकिनी पहनकर विवाद और बढ़ा दिया। साधु संतों से लेकर आम लोग तक फिल्म के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम जैसे स्टार्स दिखेंगे। 250 करोड़ के बजट में बनी पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख की इस फिल्म का क्या हाल होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।